Recently, I've been suffering from something called acteria. I've played so many characters in my life and suddenly it's been taking me, over me. तो ये एक्टेरिया नाम की एक अजीब बीमारी हुई है मुझे. सो काइंडली बेयर विथ मी, क्योंकि सडनली इन द मिडल ऑफ व्हाट आई एम डूइंग आई टेंड टू चेंज पर्सनैलिटीज एंड बिकम समबडी एल्स. सो प्लीज बेयर अप और वेलकम टू हिम टू. इसके लिए मैं दवाइयाँ भी ले रहा हूँ, बट अनलकीली मैं दुबई इन दवाइयों को लाना भूल गया. सो प्लीज, अरे मुझे क्या पता था कि तुम भी पान पराग जी टीवी अवार्ड के शौकीन हो, कि दुबई तक आप पहुंचे. अरे शम्मी जी भी आके बैठे, वेलकम सर. भाई क्यों ना आते, जिसे लोग पूछते हैं उसे गॉड कहते हैं और जिसे फिल्मी लोग पूछते हैं उसे अवार्ड कहते हैं. और इस अवार्ड को पाते ही मोशन पिक्चर वालों को इमोशंस के लूज मोशन हो जाते हैं. अवार्ड अवार्ड अच्छा है बेचारे कलाकारों को पास ऊपर वालों का दिया सब कुछ है, ये नीचे वाले भी कुछ दे देंगे तो अच्छा होगा. वैसे मुझे भी बहुत अवार्ड मिले हैं जिंदगी में, अब तक 56. 56 अभी मक्करी की मिट्टी में पल्ले वाले गद्दारी के पौधे इतना भी नहीं जानते. 56 तो टिकली होती है, 56 तो छुरी होती है, और अवार्ड पाने वाले के लिए अच्छे अच्छों की नीयत बुरी होती है, समझे कि नहीं. बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, और जो अवार्ड जीते उसका है बोल बाला. काय रे बाला जो जो रे गमत साली रे मरहबा माशाल्लाह, अवार्ड जीतने वालों को सबा करीम का वालेकुम सलाम. खामोश मुन्ना, ये अवार्ड कोई सोडा लेमन नहीं है कि कोई भी आंगा पोंगा उसे ठास से खोले और पी जाए. आज होगी और डंके की चोट पे होगी. चोट तो मेरा बेटा ठीक करेगा, वो डॉक्टर है, डॉक्टर MBBS. और आज के अवार्ड के लिए लैमिनेट भी हो गया है, मेरा मतलब है नॉमिनेट हो गया है. लो वो आ गया. अरे वो दुबई के मामू लोग, अरे बोले तो अपुन का एक ही फंडा है, लाइफ में कभी बस ट्रेन और लड़की के पीछे भागने का नहीं, एक निकल गई तो दूसरी आ जाएगी, समझे. अरे हाँ, पर अवार्ड के बिना आज की रात निकल गई तो मार डाला.